सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। मैं पूरा राजन मित्रा जी विराट व्यायाम शिक्षक धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को प्ले करने में पूरी भूमिका का निर्वहन किया है। मैं समस्त शिक्षक बंधुओं से अनुरोध करता हूँ कि वहाँ उपस्थित होकर के इस मशाल कार्यक्रम को माहौल खेलने के लिए रंगों में और ये आतिशबाजी का नजारा बड़ा मनमोहक दृश्य आज देखने को मिल रहा है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने अपने वह नजारा बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, बड़ा सुंदर बड़ा मनमोहक दृश्य बात देखने को नजर आ रहा है। मैं समस्त इस व्यवस्था में लगे शिक्षक और शिक्षा बंधुओं और हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त पत्रकारिता क्षेत्र के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में समस्त मैनेजिंग डायरेक्टर चल के नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं को देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है इस नजारे के बाद इस नजारे में देखिए बहुत सारे पक्षी भी हमारे उस नजारे का पूरा लुफ्त ले रहे हैं। विषम परिस्थिति में अपने अब तक के सफर में नहीं देखा है। धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहता हूँ, बस क्या है इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमारे पंख कट गए हैं वरना हम गगन को गाते, हमारे पंख कट गए वरना हम गगन को गाते, हमारा बस नहीं चलता आपके सामने ना आते, लेकिन हमको फिर से सुनाओ अरे वही कहानी कि कैसे हुई तू बुरा घनश्याम की दीवानी, कैसे हुई तू बुरा घनश्याम की दीवानी। क्योंकि समय बहुत कम है, क्या होता है लेकिन वक्त के पहलू में एक वक्त छुपा होता है। क्योंकि आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी वक्त के सानिध्य में वक्त चुरा कर आए हैं, इसलिए हम वक्त जाया नहीं करना चाहते हैं, बहुत कीमती दिन है आज। तो मैं माने मुख्य अतिथि महोदय से बहुत निवेदन बहुत खुलूस बहुत मोहब्बत के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आइएगा और इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त हमारे प्रतिभागी छात्र छात्राओं को आशीर्वचन देते हुए इस कार्यक्रम की घोषणा करने। और एक बच्चे की तरफ से सरगांव और ये उर्मिला देवी की तरफ खेला जा रहा है कबड्डी का मैच, बड़ा शानदार मुकाबला समय की बचाते हुए अपनी पार्टी को। और ये दूसरे वाह ये और ये दो आउट हो गए हैं उर्मिला देवी की तरफ से। हाँ जी और ये उर्मिला देवी की तरफ से आए हुए हैं और ये फिर पकड़ लिया 1 पॉइंट सरगांव। क्या घूम रहे हैं देख रहे हैं सबकी तरफ लाइव ओ एक नंबर और लॉन्ग जंप के लिए जिन्होंने उसमें प्रतिभाग किया है बॉयज एवं गर्ल्स दोनों ही हमारे पंडाल के पीछे पूरा नाम क्या है आपका? शिवम राजपूत। किस गांव से हो आप? पूर्व माध्यमिक विद्यालय बड़े। अच्छा अच्छा शिवम। और आपका क्या नाम है? सेकंड आए हो? हाँ नीरज। पूरा नाम? नीरज कुमार। कौन से गांव से? छिन्नवीर। छिन्नवीर ठीक है।
क्या नाम है आपका पूरा? हाँ, किस गांव से? स्कूल? अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? हरेंद्र। कौन से गांव से हो? धमरा से। स्कूल का नाम? कन्यापुर महाविद्यालय। सेकंड आए हो आप 100 मीटर्स में। तो क्या नाम है आपका? नरेंद्र। आप फर्स्ट आए हो? रतन। रतन आप सेकंड आए हो? आप फर्स्ट आए हो? किस गांव से हो? इमिलिया। इमिलिया, पूरा नाम क्या है? इमिलिया मुस्करा। आपका क्या पूरा नाम है? नरेंद्र राजपूत। नरेंद्र राजपूत, ठीक है बेटा। पूरा नाम क्या है आपका? रतन राज। सेकंड आए हो आप? कौन से गांव से हो? गलिया। ठीक सर, जैसा कि ये यहाँ पे प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं बीएनबी के डिग्री कॉलेज ग्राउंड में, और आप हमीरपुर से आए हैं, खेल क्रीड़ा अधिकारी हैं, तो इन प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या ये हर साल होती हैं? जी, मैं क्रीड़ा अधिकारी हूँ, हमीरपुर से आया हूँ। मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण अंचलों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए। इससे पूर्व ये जो प्रतियोगिता जो है हमारे खेलकूद प्रोत्साहन समिति के द्वारा आयोजित हो रही है, इससे पूर्व जो प्रतियोगिता होती थी हम जिले लेवल पर कराते थे, उसका भी प्रचार प्रसार करते थे, लेकिन जो टीमें आती थी ज़्यादातर हमीरपुर शहर उसके आसपास के गांव से आ पाती थी। लेकिन जैसे हमीरपुर की तहसील काफ़ी दूर की है, दराज की है, राठ है, सरीला है, यहाँ तक के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। फिर इसी के संबंध में हमने एक प्रस्ताव जो है अपने समिति में और जिलाधिकारी महोदय के समक्ष रखा कि सर ग्रामीण अंचलों से भी खेलों के प्रतियोगिताओं को प्रतिभाओं को निकाला जाए, वहाँ से जो है बच्चे जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले पा रहे। फिर इसका हमने जो है प्रस्ताव मीटिंग में पास कराया और आज राठ और सरीला की दोनों ही तहसीलों में प्रतियोगिता हो रही है। ये जनपद हमीर की चारों तहसीलों में प्रतियोगिता होगी। कल को मौधा तहसील है, परसों फिर हमीरपुर तहसील होगी। अब ये जो खिलाड़ी जो इन तहसील से जो जीत के आएंगे, उन जीते हुए खिलाड़ियों का फिर हम जनपद स्तरीय प्रतियोगिता कराएंगे जो जिले में 26 जनवरी को आगामी गणतंत्र दिवस पर आयोजित होगी। मुख्य उद्देश्य तो जो है इन प्रतियोगिताओं का ये है कि हमें जो है ग्रामीण अंचलों में जो खेलों की जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं उन्हें निकालना है और अपने हमीरपुर से जो है खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाना है। जो अब तक आज तक एक भी प्लेयर हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई इस धरती से नहीं निकल पाया है। इस धरती की मांग पर, इसी की धरती की भूख को, प्यास को बुझाने के लिए हमने कदम उठाया है। यह आगे भी होती रहेगी, फिलहाल तहसील स्तर पर पहली बार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो प्रोग्राम हो रहा है किसके द्वारा कराया जा रहा है और यहाँ पे क्या क्या प्रतियोगिताएँ होंगी? ये जिला क्रीड़ा प्रोत्साहन समिति द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम है और इसमें इसका मुख्य उद्देश्य जो ग्रामीण अंचलों में जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं उन प्रतिभाओं को खेल के माध्यम से जिला स्तर पर और इसके बाद मंडल के बाद राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर छात्राओं की प्रतिभाओं को ले जाना है। और इसमें कई तरह के खेल जो कि कबड्डी है, लॉन्ग जंप है और दौड़ है, गोला फेंक है, इत्यादि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। और इसमें आज हमारे बीच में जिला क्रीड़ा अधिकारी हमीरपुर से पधारे हुए हैं और राठ तहसील के SDM महोदय और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय भी इस कार्यक्रम के बीच में उपस्थित हैं। और यहाँ पर चूँकि अभी तक इस तरह की प्रतियोगिताएं जिला लेवल पे हुआ करती थी, लेकिन इस बार पहली बार हमारे जिला क्रीड़ा अधिकारी के सहयोग से पहली बार राठ तहसील के स्तर पर आयोजित की जा रही है। जैसे कि आप स्वयं एक अध्यापक हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ के स्टाफ या अध्यापक वर्ग मौजूद है? मैंने पहले ही बताया है कि ये राठ तहसील स्तर का है जिसमें राठ और गुआहण दो ब्लॉक के विद्यालयों के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे ग्रामीण अंचलों के परसदी विद्यालय भी और प्राइवेट विद्यालय के बच्चे भी भाग ले रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारी प्रतिभाएँ हैं खेल में बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे, उनको जिला स्तर से आगे की ओर ले जाना है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद माँ सरस्वती जी को नमन और स्वामी जी को सादर नमन। परम आदरणीय क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी महोदय, जिनके सौजन्य से हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, बैठे हुए समस्त परम सम्मानित गुरुजन वृंद, हमारे संचालक महोदय, पत्रकार भाइयों
तथा इस देश के उज्ज्वल भविष्य और देश के भविष्य के निर्माता हमारे प्यारे बच्चों, राधा कृष्ण को नमन करना तो भूल ही गए, उन्हें भी सादर नमन, जिन्होंने अपनी प्रस्तुति से सभी लोगों का मन मोह लिया। बच्चों, अपने भविष्य और इस देश के भविष्य के लिए दो तीन चीजें जरूरी होती हैं। सबसे पहले अपना स्वास्थ्य ठीक रहना जरूरी है, उसके बाद बौद्धिक क्षमता अच्छी रहे ये जरूरी है, और आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा का भी होना बहुत जरूरी है। अगर प्रतिस्पर्धा नहीं है तो भी हम आगे नहीं बढ़ सकते, और ये तीनों चीजें केवल खेल कूद ही दे सकता है। अगर हम आप खेल कूद में रुचि लेते हैं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हमारी बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी, हमारा आईक्यू अच्छा होगा और प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धा का मतलब केवल जीतना ही नहीं होता, प्रतिस्पर्धा हम सबको आगे बढ़ाती है। जो बच्चे जीत जाए वो तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, जो पीछे रह जाते हैं उन्हें ऐसी मेहनत करनी चाहिए कि वो और आगे चल करके दिखाएं, अपने देश का नाम रोशन करें। हम अपने क्रीड़ाधिकारी महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करेंगे कि उन्होंने तहसील स्तर पर खेल के विकास के लिए कुछ सोचा और अधिकारियों के समक्ष अपनी बातें रखी। हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि आप राठ आए हैं, राठ हमीरपुर जिला स्तर से कम नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है, यहाँ देहात भी बहुत है और कस्बा भी हमीरपुर से अच्छा है, और यह विश्वास दिलाएंगे कि आप देखेंगे कि यहाँ के बच्चे जब 26 जनवरी को जिला लेवल प्रतियोगिता में जाएंगे तो वहाँ भी टॉप करेंगे, राष्ट्रीय लेवल की प्रतियोगिता में भी टॉप करेंगे। क्यों बच्चों, दिखाओगे ना, और यह आगे भी होता रहना चाहिए। हम तो समझते हैं, आपसे अनुरोध करेंगे कुछ समय के अंतराल पर, थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर आप तहसील स्तर पर ये प्रतियोगिता रखें, और यहाँ भी इतनी प्रतिभाएं हैं कि आप स्वयं अगर दो तीन बार रखेंगे इस कार्यक्रम को तो आप स्वयं आश्चर्यचकित रहेंगे कि यहाँ के बच्चे कैसे हैं, कैसी कैसी प्रतिभाएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद मैं जिला खेल कूद प्रोत्साहन समिति द्वारा आयोजित तहसील राठ की प्रतियोगिताओं के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। ट्रैक में 100 मीटर, 800 मीटर और 1500 मीटर।